अपनी सेल्फी का केस हार गया यह बंदर, मंकी सेल्फी केस अब खत्म हो गया है, सेल्फी बंदर ने ली अब उस पर अधिकार किसका। इस अनोखे सवाल का जवाब संघी अपीली अदालत देती, उससे पहले ही अटॉर्नी ने घोषणा कर दी कि सेल्फी तस्वीर के कॉपीराइट मामले का निपटारा हो गया है। मंकी सेल्फी को लेकर फोटोग्राफर डेविड स्लेटर को कॉपीराइट कानून के तहत कोर्ट तक ले जाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बंदर ने उनके कैमरे से खुद अपनी तस्वीर खींच ली थी और बाद में इस तस्वीर को कई जगह इस्तेमाल किया गया। स्लेटर के नाम से, जिसका पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ने विरोध किया। वकीलों ने इस मंकी सेल्फी के कॉपीराइट को लेकर कोर्ट में सेटलमेंट होने की जानकारी दी। पशु अधिकारियों की संस्था के वकील ने बताया कि इस डील के तहत फोटोग्राफर ने भविष्य में फोटो से होने वाली कमाई का 25% इंडोनेशिया में पाए जाने वाले इस दुर्लभ प्रजाति के बंदर की सुरक्षा के लिए दान देने का वादा किया। हालांकि फोटोग्राफर स्लेटर ने वकील ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि अभी तक इस फोटो से कितनी कमाई हुई है और क्या भविष्य में स्लेटर कमाई का बाकी 75% हिस्सा अपने पास रखेंगे। पेटा और स्लेटर ने संयुक्त बयान में कहा कि वह दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यह एक अहम मामला है जो गैर इंसान प्राणियों को कानूनों का अधिकार देने से जुड़ा है। इस लक्ष्य का दोनों ही समर्थन करते हैं और इसे पाने के लिए वे अपना काम जारी रखेंगे। दरअसल पशु अधिकारियों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने साल 2015 में स्लेटर पर सेल्फी लेने वाले मकैक प्रजाति के बंदर की जगह डेविड स्लेटर पर फोटो के मालिकाना हक को लेकर केस किया था। संस्था की मांग थी कि यह तस्वीर बंदर ने खुद ली और इसलिए इसे होने वाली कमाई भी बंदर को मिलनी चाहिए, उस पर खर्च होनी चाहिए। इस मुकदमे को नारुतो बनाम डेविड स्लेटर नाम दिया गया था। धन्यवाद।